हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिकार डॉट माही ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो आज स्पेशल डिश आज हम लोग का बनने वाला है समोसा। तो देखिए आटा गूंदा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा एक छोटा बड़ा वाला जो लड़का है वो पढ़ाई करने के लिए गया, बोला मम्मी कुछ बना के रखना मेरे लिए। तो मम्मी बना दे रही है समोसा, अरे मेरा छोटा वाला बेबी सो रही है। आप लोग देख सकते हैं झुलवा हम लोग किस तरह बनाए हैं। गरीब लोगों का झुलवा इसी तरह होता है दोस्तों, देखिए देखिए इस तरह साड़ी का झुलवा बना दिए हैं, मस्त होती है इसी में। तो गाइस देखिए अभी बादाम भून जा रहा है कढ़ाई में। तो प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमेंट आ रहा है, कुछ कमेंट में बताएं गरीब को। और घर पे बैठा रहते हैं दोस्तों क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर है, देखिए ढीला हो गया, थोड़ा रस्सी से बांध दिया हूँ, प्लेट लगाया हुआ है, एक महीना का बेड रेस्ट दिया गया है, लेकिन एक महीना होने वाला, लेकिन अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। देखिए मेरा आटा बन चुका है, बना चुका है। ये मैदा का आटा का बना रही है, मैदा का बना रही है, इसको क्या हवा में मैदा है लेकिन आटा बोल रही है। सॉरी। तो रोटी बनाते हैं तो आटा याद आ रहा है। रोटी बनाती है जिसे आटा याद आता है। देखिए बादाम भून जा रहा है, अभी देख सकते हैं कढ़ाई में। और मेरा आर्यन भी आने ही वाला है, डांस के लिए जाएगा फिर आके, न्यू एडमिशन करवा दिए हैं, डांस का बहुत शौक रखता है इसके लिए। अब मेरी तारा बेटी एकदम सो रही है बेफिक्र नींद से, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आटेंगे ना कुछ, देखिए सो रही है। आप लोग देख सकते हैं भगवान में कैसी सो रही है। तो गाइस अभी आप लोग को दिखा रहा हूं मैं, देखिए समोसा बिला रहा है किस तरह, आप लोग देख सकते हैं बेल रही है, बेलने का तैयारी जारी है, देखिए किस तरह बिला रहा है, कटिंग भी हो रहा है। और देखिए सब भुजा के रेडी है और आर्यन भी आने वाला है। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तो पता चले वीडियो में क्या कमी है, और वीडियो को एंड तक देखें तो आदमी को समझ में आता है इंसान को कि क्या बना रहा है, क्या बोल रहा है। तो प्लीज दोस्तों मैं भी ब्लॉग देखता हूँ, ब्लॉग देख के ही थोड़ा बहुत सीखा करता हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा तो पता चलेगा हमारा ब्लॉग में क्या कमी है। तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें, हेल्प मी। ये मेरा छोटा सा रूम है देखिए, और मैं बेड पे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा बेड है, ये छोटा सा रूम है मेरा, रेंट रूम में है, अपना गांव झारखंड है। और देखिए मेरी तारा नहीं उठी अभी, सो रही है, आर्यन का भी टाइम हो गया है। देखिए कुछ बोलो, समोसा खाना है, देखिए समोसा का मसाला जो अभी मिक्स कर रहे हैं, केवल बादाम मिक्स नहीं किए। तो देखिए समोसा का मसाला रेडी हो चुका है।
मसाला रेडी हो चुका है। अब केवल समोसा भरना है और तलना है और खाना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। देखिए मेरा छोटा बेबी सो रही है। समोसा बन जाएगा तो दिखाएंगे आप लोग को किस टाइप का बना है। पहली बार बना रही है, पहले भी बनाई है लेकिन ये फर्स्ट टाइम अलग स्टाइल में बना रही है। पहले वाला कुछ खास नहीं बना था तो फिर ट्राई मार के देख रही है। ब्लॉग में पहली बार डाल रही है। एक बना के दिखाओ फटाक से। देखिए किस तरह बनाती है, हमें नहीं आता है बनाने के लिए। तो मेरा पैर फ्रैक्चर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। एक महीना का बेड रेस्ट मिला है और ये पट्टी में बांध के रखा हूँ, ये वाला ढीला हो गया था। प्लेट लगाया हुआ ओनली, प्लास्टर नहीं किया क्योंकि पैर में सूजन है, इसके वजह से पैर फिसल गया था। कपड़ा कंपनी में मैं जॉब करता हूँ सूरत में, पैर फिसल गया उसके कारण यहाँ पे नस जो है वो टूट गया है। इस जगह पे ये पोजीशन पे टूटा हुआ है, देख सकते हैं इस जगह पे उंगली से इस जगह पे टूटा हुआ है। प्लीज़ दोस्तों इस गरीब को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, बिना सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ता। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और समोसा बनेगा तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है आज समोसा तला रहा है। देखिए अब हम समोसा तलने जा रहे हैं, फिर खाने के लिए रेडी हो जाएगा वो। कौन खाने के लिए रेडी हो जाएगा? कौन नहीं, सबको खाने के लिए तैयार होगा। आर्यन सबसे पहले आएगा, बोलेगा मम्मी मेरा समोसा तलाया। ज्यादा नहीं बनाया जाए क्योंकि छोटा फैमिली है, एक मेरी बेटी बहुत कम खाती है, उसका एक समोसा में पूरा हो जाएगा। कढ़ाई में डाला गया है, बच गया है मैदा, उसका हम निमकी बनाने जा रहे हैं। देखिए एक कटिंग करने जा रहे हैं जो आधा कटिंग कर चुके हैं। एंड तक बने रहिए, देखिए क्या क्या बनता है आज का ब्लॉग में। क्या बनेगा? हस्बैंड बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो सोचे खुद समोसा बना के खिलाए, वो भी गर्मा गर्म धनिया पत्ता चटनी के साथ। वो ऐसे भी होटल में बाहर से लेने जाते हैं तो 10 का एक पीस देता है, वो भी बहुत छोटू सा, तो उससे अच्छा सोचे क्यों ना घर पे बना लिया जाए और पूरा फैमिली खाए। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, तभी तो पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या कमी। देखिए किस तरह समोसा तल रहा है, एकदम गर्मा गर्म लग रहा है कि निकाल के फटाक से खाऊं। देखिए नीमकी का कटिंग हो रहा है, देख सकते हैं एकदम नीमकी भी बनने जा रहा है बच्चे लोग के लिए थोड़ा बहुत। बच गया है तो क्या करें, इसका कुछ तो उपाय, ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा ही सही, मतलब कि आटा गूंथ दे कि मैदा गूंथ दे कि थोड़ा बच्चा सबका नीमकी बना दे। देखिए गाइस समोसा बन के रेडी हो गया है, ये निकलने वाला है। गर्मा गर्म है, देख सकते हैं आप लोग अभी बन ही रहा है। देखिए गाइस समोसा बन के रेडी है, लोग देख सकते हैं किस टाइप का बना हुआ है।
अच्छा ही लग रहा है, पहले से सुधार है। खास्ता भी है, खास्ता भी है एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। खाना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना है, किस टाइप का बनाई है। मैं तो बताऊंगा इनकी किस टाइप का बना हुआ, खाऊंगा तो पता चलेगा कैसा बना। बनाते बनाते ना सुधार आता है, ऐसे थोड़ी आता है अचानक, खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा समोसा कैसा बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। खास्ता है तो बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प मी।